पार्ट ऑफ बिहार राजगीर। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि राजगीर में कौन कौन सी जगह जहां हम लोग गए हुए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो, वो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं कि और राजगीर में कौन कौन सी जगह है जहाँ हम लोग घूम सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचते हैं इस एक खंडर से जगह पे, जहाँ पे ये गाइड हमारे भैया जो थे वही हमें बताते हैं कि ये जगह है जहाँ पे राजा अशोक ने अपने पिता को कैद किया हुआ था उस राज के लिए। वो राजा बनना चाहते थे, इसके वजह से ऐसा कुछ उन्होंने बताया। इसके बारे में मुझे कुछ डिटेल नॉलेज था नहीं, इसके वजह से मैंने इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। तो कुछ यही जगह था जहाँ पे उन्होंने जंजीर में अपने पिता को बांधकर खुद के राजा बनने के लिए वहीं यहीं पे उन्हें बंदी बनाए हुए थे, ऐसा वो गाइड वाले भैया बताएं हमें। ऐसा कुछ मुझे पहले से कुछ आइडिया था नहीं। तो कुछ इस तरीके का ये जगह था जो कि आप लोग देख सकते हो। निकल जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए। तो चलिए वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या था। तो उससे पहले हम लोग रास्ते में ये कुछ इस तरीके से दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से फूल लगे हुए थे जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा था। तो आप लोग इन्जॉय करो कि ये कितना सेटिस्फाइंग था। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई का प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, तो इसकी वजह से रोड भी बहुत साफ़ था और साइड से भी बहुत ही अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए थे जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा था। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं विश्व शांति स्तूप टिकट काउंटर के पास, जहाँ पे हम लोग टिकट लेते हैं। और यहाँ पे कुछ बंदर भी थे जो इन्जॉय कर रहे थे। और फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं और हम इस मशीन के थ्रू हम लोग ऊपर की ओर निकलते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे का जर्नी कैसा रहा था हम लोग। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं विश्व शांति स्तूप मंदिर के पास, जहां पे हमें बहुत सारे बंदर दिखते हैं जो कि बहुत ही उछल कूद कर रहे थे। एक लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ था, पता नहीं क्यों तो वो उछल कूद कर रहे थे। उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं मंदिर के पास, जहां पे एक और पोर्शन था जिसे मैंने आपको बताया नहीं। यहाँ पे मंदिर पे आने के लिए दो रास्ते हैं, एक आप उस मशीन के थ्रू आ सकते हो और इधर एक सीढ़ी है जो कि मेरे दोस्त ने बताया था। तो ये सीढ़ी बहुत ही लंबा होता है और बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसके थ्रू आना, इसलिए मैं इसके थ्रू नहीं आया। और इसके बाद हम लोग मंदिर में पहुँचते हैं, जहाँ हमें एक जादुई पत्थर मिलता है जहाँ पर कि आप सिक्के को चिपका कर अपनी मन्नतें मांग सकते हो। वहाँ पर ऐसा वो एक अंकल थे, उन्होंने बताया, जो कि वहीं पर हमेशा रहते हैं। तो पहले मैंने अपना एक सिक्का लगाया वहाँ पर, वो चिपक गया तभी को, उसके बाद पता नहीं क्यों वो गिर गया। फिर मैं दोबारा ट्राई करने लगा, फिर अंकल
होता है, नहीं ऐसा नहीं होता, बिकॉज कि वो एक बार में ही जो होता है वही चिपक गया उसी को माना जाता है। अंकल फटाफट पूरे सिक्के चिपका दिए, इसके लिए मैंने भी अंकल से मांगा एक और, बोला मैं खुद से चिपका कर देखता हूँ, और वो चिपक गया। तो अंकल बोले ऐसा नहीं होता, वो फर्स्ट टाइम ही चिपकाना होता है। तो पता नहीं वो पत्थर क्या था, वो मैग्नेट तो नहीं था, बिकॉज कॉपर तो मैग्नेट में नहीं चिपकता। तो हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं उस पर कुछ ज़्यादा यहाँ पे देखने के बाद, और फिर पूरे मंदिर को अच्छे से घूमने के लिए निकल जाते हैं। फिर मैं और मेरा दोस्त पूरे अच्छे से पूरे मज़े करते हैं उस मंदिर के ऊपर, और फिर हंसी मजाक पूरे करते हुए फिर हम लोग पूरे मंदिर को मंदिर के चारों तरफ बेसिकली पूरा घूम सकते हैं, बिकॉज अंदर जाने का कोई रास्ता था नहीं। तो फिर उसके बाद वहाँ से निकलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट लोकेशन वहीं पे एक छोटा सा और मंदिर था, तो वहाँ के लिए निकलते हैं। रास्ते में एक बंदर मिलता है जिसे मैं बहुत डर रहा था, तो मैं दूर से इसे बुलाता हूँ, फिर वो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, बिकॉज मुझे बंदर से बहुत डर लग रहा था वहाँ पे, और मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये क्या है। और बहुत से लोग बताते हैं ये बॉडी के ऊपर चढ़ जाते हैं ऊपर, तो इससे डर से के वजह से मैं इसके ज़्यादा करीब नहीं गया। फिर उसके बाद मैं निकल जाता हूँ मंदिर के लिए, जो कि कुछ इस तरीके के सीढ़ी थे जो कि पत्थर को काट कर बनाए गए थे। बेसिकली ये पुराने ज़माने के सीढ़ी बने हुए हैं, तो कुछ इस तरीके से ही बनाए जाते हैं। फिर उसके ऊपर हमें मिलता है एक बहुत ही प्यारा मंदिर, जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, और दूसरे भी कंट्री के जैसे जापान वापान के लोग भी यहाँ पे थे, जो कि मैं कैमरे में रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया, बट मैंने देखा था वहाँ पे। तो वहाँ पे चलिए अंदर देखते हैं उसके बाद क्या था। उस अंदर जाने से पहले हम लोग पहले इधर आए थे, जो कि बहुत बड़ा हाई टाइप रास्ता दिख रहा था, रास्ता तो था नहीं इधर से, तो यहीं पे चलिए दिखाते हैं कि कितना नीचे था। तो आप लोग देख सकते हो वो जो छोटे छोटे आपको घास लग रहे होंगे, वो घास नहीं है वहाँ पे, वो जो भी वो पूरा वो एक पेड़ होते हैं बहुत लंबे लंबे, तार का पेड़ बोलते हैं इधर उसको, पता नहीं आपके एरिया में क्या बोलते हैं उसको। तो वो पेड़ थे, और उधर साइड में वहाँ पे बहुत सारे पहाड़। फिर मैं यहाँ पे मंदिर के अंदर आता हूँ, फिर मंदिर के अंदर वो फ़ोटो लेना अलाउड था नहीं, तो मैं फ़ोटो या वीडियो ले नहीं पाया। फिर मंदिर के बाहर एक मुझे बंदर मिलता है जो कुछ खा रहा था, पता नहीं क्यों क्या खा रहा था। तो उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं वहाँ से पूरा मंदिर घूमने के बाद। फिर हमें रास्ते में मिलता है एक खिलौने की दुकान, जहाँ पे बहुत सारे ही इनोवेटिव टाइप के, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे खिलौने थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक कुल्हाड़ी था, जो कि पेन भी था एक साइड से, पेन टाइप में डिज़ाइन था, भाला था वो, बेसिकली पेन नहीं था। और ये कुछ तलवार टाइप में, जो पुराने ज़माने के तलवार हुआ करते थे, उसी का एक छोटा वर्जन समझ सकते हो आप। और बहुत सारे खिलौने थे, तो मैं देखता हूँ बहुत सारे खिलौने यहाँ पे। और फिर इसके बाद बेसिकली मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं, मैं बाद में रिग्रेट कर रहा था, बिकॉज मैं चाह रहा था कि कुछ ले लूं, बट मैं वहाँ पे लिया नहीं। और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पूरा विश्व शांति स्तूप घूमने के बाद हम लोग आ जाते हैं फिर उसी मशीन वाले के पास, जहाँ जिसके थ्रू हम लोग आए हुए थे। बेसिकली जाते वक्त हम लोग सोच रहे थे सीढ़ी से चले, बिकॉज मैं सीढ़ी से कभी गया नहीं था, तो इसलिए फिर मेरा दोस्त बोला नहीं आए इसी से, तो इसी से ही चलते हैं, पैसा लगा है, तो इसके थ्रू हम लोग इसी से आए। और पूरा व्यूज़ इससे आना बहुत ही सेटिस्फाइंग था, बिकॉज ये स्लो थोड़ा था, थोड़ा स्लो ही चल रहा था, बट बहुत सारे मज़े करते हुए आए, और ये नीचे देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि क्या व्यूज़ हम लोगों ने वहाँ से देखा, और आपको भी दिखाते हैं, आई थिंक आपको भी मज़ा आएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको।
पूरा घूमने के बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे फिर हमारे जो घोड़े वाले अंकल थे वो हमारे नीचे इंतज़ार कर रहे थे। फिर हम लोग घोड़े पे बैठते हैं और अंकल हमें छोड़ देते हैं जहाँ से हमें ऑटो मिल जाए। फिर अंकल से थोड़ी बात बात करते हैं हम लोग। फिर अंकल बताते हैं अपने घोड़े वोड़े के बारे में कुछ बता रहे थे। फिर हम लोग वहीं से बात करते हुए निकल जाते हैं उसी रूट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।